बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख्याल टीवी की मौजूद खवातीन हज़रात, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद अली खिजर और आज की इस वीडियो में चमगादड़ के मुतालिक कुछ मालूमात आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूं। चमगादड़ इंसान के लिए कितना फायदेमंद है और ख्वाब में चमगादड़ देखना इसकी ताबीर क्या है। चमगादड़ का गोश्त खाना हराम है इसलिए कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चमगादड़ को कत्ल करने से मना फरमाया और फरमाया कि जब बैतुल मुकद्दस को वीरान किया गया तो चमगादड़ ने दुआ मांगी कि ऐ रब, समुंदर को मेरे कब्जे में दे दे, यहां तक कि मैं बैतुल मुकद्दस के वीरान करने वालों को समुंदर में गर्क कर दूं। अगर चमगादड़ का सर तकिए के अंदर रख दिया जाए तो जो शख्स इस तकिए पर अपने सर को रखेगा तो उसकी नींद खत्म हो जाएगी। अगर चमगादड़ के सर को चंबेली के तेल में डालकर किसी तांबे या लोहे के बर्तन में पकाया जाए और तेल को बार बार हिलाते रहें, यहां तक कि चमगादड़ का सर कोयले की तरह हो जाए, फिर इस तेल को फालज के मरीज और नकरस के मरीज या वो आदमी जिसको राशा हो मालिश के तौर पर इस्तेमाल करे तो इंशाअल्लाह ताला शिफा नसीब होगी। ये नुस्खा अजीबो गरीब और मुजर्रब है। अगर चमगादड़ को घर में ज़िबा किया जाए और इसके दिल को जलाकर उससे घर में धूनी दे दी जाए तो इस घर में सांप और बिच्छू कभी भी दाखिल नहीं होंगे। अगर चमगादड़ का दिल शहवत के गलबे के वक्त कोई आदमी अपने बदन पर लटका ले तो इससे मर्दाना कुव्वत में इजाफा होता है और अगर चमगादड़ की गर्दन कोई आदमी बांध ले तो वो बिच्छू से महमून और महफूज रहेगा। अगर चमगादड़ का पिता दर्द ज़दा औरत की शर्मगाह में मल दिया जाए तो शिफा नसीब होगी। अगर कोई औरत खून को रोकने के लिए चमगादड़ की चर्बी इस्तेमाल करे तो खून बंद हो जाएगा। अगर चमगादड़ को पकाया जाए यहाँ तक कि वो जल जाए और फिर ऐसे शख्स के आला तनासल के सुराख में मल दिया जाए जो कतरा कतरा पेशाब करने के मर्ज में मुब्तला हो तो शिफा नसीब होगी। अगर चमगादड़ का शोरबा किसी बड़े बर्तन में डालकर इसमें फालज के मरीज को बिठा दिया जाए तो उसका मर्ज खत्म हो जाएगा। अगर चमगादड़ की बीट फिनसियों और छत्ते जो फसाद खून के बायस जिस्म पर जाहिर होते हैं और इनमें खुजली होती है पर मल दी जाए तो शिफा नसीब होती है। अगर कोई आदमी बगल के बाल उखाड़ कर चमगादड़ के खून में हम वजन दूध मिलाकर बगल में मल ले तो फिर बाल नहीं उगेंगे और अगर बच्चों के जेरे नाफ चमगादड़ का खून मल दिया जाए तो इस जगह बाल नहीं उगेंगे। चमगादड़ की खाम में तबीर इबादत गुजार मर्द से दी जाती है। अगर किसी ने खाम में चमगादड़ को देखा तो ये बहादुरी और खौफ के खत्म होने की दलील है क्योंकि चमगादड़ रात के परिंदों में से एक परिंदा है जिसका गोश्त नहीं खाया जाता। अगर हामला औरत खाम में चमगादड़ को देखे तो ये विलादत में आसानी की अलामत है। अगर कोई मुसाफिर ख्वा व खुश्की का सफर करने वाला हो या बहरी सफर करने वाला हो चमगादड़ को ख्वाब में देखे तो इसके लिए नौसत की जानिब इशारा है। अगर किसी ने चमगादड़ को घर में दाखिल होते देखा तो इसकी ताबीर घर की वीरानी से दी जाएगी। बाज अहले इलम ने कहा है कि ख्वाब में चमगादड़ को देखना जादूगर औरत की तरफ इशारा है। उम्मीद है आज की ये मुख्तसर वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब फरमा के बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करना ताकि मुस्तकबिल में अपलोड होने वाली तमाम वीडियो बर वक्त आप तक पहुंचती रहें।